अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मिसबा वकास, हाज़र हूं अपने यूट्यूब चैनल मिसबा फूड एंड व्लॉग के साथ। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूं आप ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, अपने घरों में सलामत होंगे। तो व्यूअर्स, आज का व्लॉग लेके हाज़र हुई हूं मैं अपने शाम की रूटीन के बारे में। आज का व्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है, मेरी जो वीडियो है इसको पूरा देखिएगा। आज के व्लॉग में मैं बनाऊँगी, शाम की रूटीन में बना रही हूँ दाल और चावल, लेकिन दाल जो है उसे थोड़ा सा स्पेशल तरीके से रीकुक करूँगी, क्योंकि आप देखेंगे, आपको मैं बताऊँगी नहीं, आपको देखना पड़ेगा। अगर बताऊँगी तो सारा ट्विस्ट ख़त्म हो जाएगा, आपको देखना पड़ेगा। इसी बहाने आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। उसके अलावा मैं आज आपके साथ अपनी शाम की जो है वो फुल रूटीन शेयर करूँगी। बच्चे जो अभी ऊपर खेल रहे हैं, आजकल ज़ैनब का स्कूल स्टार्ट हो गया है, तो ज़ैनब का होमवर्क भी जैसे मैं उसे करवाती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। शाम का खाना भी आपके साथ शेयर करूँगी और शाम की तमाम रूटीन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो उम्मीद है आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे। वीडियो जो होते व्लॉग बनाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि मोबाइल भी खुद पकड़ूँ और बाकी रूटीन भी आपके साथ शेयर करूँ। तो इस टाइम जो है वकास साहब घर पर होते नहीं हैं, जब हों तो वो फिर मेरे साथ वीडियो बनवाते हैं, लेकिन अब वो इस टाइम घर पे होते नहीं हैं, तो फिर मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। सारा दिन में मैं व्लॉग इसीलिए बहुत कम बनाती हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ अपने चैनल पे। प्लीज़ आप मेरी मेहनत को सराहिए। अगर आपको लगता है कि कुछ कमी है, कुछ कोताही है, तो आप मुझे बताएँ ताकि मैं उसकी इसलाह कर सकूँ। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो वल्ला, अगर आप किसी को सब्सक्राइब कर देते हैं तो उसके बाद उसे अनसब्सक्राइब ना कीजिए। अगर आप किसी की वीडियो को देख के आप उसके चैनल को क्लिक करती हो, सब्सक्राइब कर देती हो, तो फिर उसे अनसब्सक्राइब ना कीजिएगा, क्योंकि जब आप अनसब्सक्राइब करती हो, हम देखते हैं कि हमारे जो सब्सक्राइबर वो फिर से डाउन हो रहे हैं, तो बहुत दुख लगता है। अगर आपको कोई अनसब्सक्राइब करे, मैं आज तक मैंने जिस भी बंदे को सब्सक्राइब कर दिया, मैंने उसे अनसब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन ये कुछ डिफ़िकल्टीज़ की वजह से हमारे वैसे ही जो सब्सक्राइबर वो बिल्कुल डाउन हो गए हैं। लेकिन अगर एक दो बढ़ते हैं तो वो फिर से अनसब्सक्राइब कर देते हैं, एक दो बढ़ते हैं फिर से अनसब्सक्राइब कर देते हो। तो लिहाजा प्लीज़ आपकी बड़ी मेहरबानी है कि अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो उसे अनसब ना कीजिएगा, क्योंकि हम मेहनत करते हैं। अगर एक एक सब्सक्राइब, वो कहते हैं ना, कतरा कतरा हो तो दरिया बन जाता है, तो मेरी सोच भी यही है कि अल्लाह पाक कतरा कतरा डालेगा तो इंशाल्लाह ज़रूर दरिया बनेगा। हम अपनी मेहनत जारी रखेंगे, इंशाल्लाह हमारी मेहनत के बलबूते पर ही यूट्यूब पे मेहनत करेंगे और अपनी मेहनत के बलबूते पे आगे जाएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो करते हैं आगाज़ आज के व्लॉग का। तो सबसे पहले तो बच्चों ने जो मैस फैलाया हुआ वो उठाते हैं। सबसे पहले देखें कि ज़ैनब साहब स्कूल से आए हैं और बैग जो है वो यहाँ पे फेंका हुआ बेड पे, ला के ज़ैनब का बैग रखते हैं इस जगह पे, मैं इस जगह पे, ये टेबल कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, यहाँ पे मैं ज़ैनब का बैग रखती हूँ। ये हमारा बेडरूम है, तो कैब भी उठा लेते हैं, इसको भी यहीं पे रखते हैं। और इस लाइट को जो हमने वीडियो बनाने के लिए बनाई थी, इसको उठा लेते हैं। अब ये देखें, ये ज़ैनब सारा के, ये भी मैस फैलाया, ये वो कपड़े मैंने निकाले हैं जो कि काबिल इस्तेमाल नहीं हैं, इनको मतलब ना पहनने के काबिल है ना किसी को देने के काबिल है, तो इसको अभी छत पे लेके जाके इनको हम जला देते हैं। हाँ, सबको जलाएंगे। आओ ज़ैनब ज़ारा, आओ जरा छत पे चलते हैं। तो आइए व्यूअर्स, आपको भी अपनी छत का नज़ारा करवाते हैं। ये रेंट का घर है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, रेंट पे है। तो आइए आपको इसकी छत दिखाते हैं। ये देग है, जब भी हम न्याज दिलाते हैं तो हमने अपनी देग रखी हुई है और उसी पे हम लोग न्याज। मेरी एक फ्रेंड आई हुई थी, उसका नाम ये छत है हमारी। और वो तो व्यूअर्स, ये रख लिए हैं मैंने, कपड़े ऊपर ला के रख लिए हैं। अब इनको जलाते हैं, इसको एक को आग लगाएंगे तो ये सारे ही जल जाएंगे, जो किसी के काबिल नहीं होते ना, किसी को देने के काबिल नहीं होते। मैं उनको ऐसे ही जला देती हूँ, चाहे वो बच्चों की हो, मेरे हो, ज़ैनब के बाबा की हो, उनको ऐसे मैं जला देती हूँ, क्यों घर में मैस फैला जो है वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ये ज़ैनब और हसन अली ऐसे बैठे हैं जैसे कोई तबरक नहीं देने लगी, मैं इनको ऐसे इंतज़ार कर रहे हैं। अभी ये आग शुरू हुई है, अभी इसको मैं स्टिक रखी है, ये वाली स्टिक से पकड़ के हम ऐसे ऊपर करेंगे तो ये जल जाएंगे। व्यूअर्स, अगर आपके घर में भी ऐसे कपड़े पड़े हों जो किसी के काबिल ना हों, तो आप ऐसे जला दिया करें, अदरवाइज़ मैस फैला होता है। ये कपड़ों को रखने की कोई जगह नहीं मिलती है कि कपड़ों को रखें हम कहाँ पे।
और यूर्स ये देखें, ये बिल्कुल स्वाहा हो गए हैं कपड़े। मैंने आग आपको इसलिए नहीं दिखाई कि मैं भी यूट्यूब की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हो कि आग वायलेशन ना हो जाए, इसलिए मैंने आग आपको नहीं दिखाई। तो ये कपड़े जो हैं वो स्वाहा हो गए हैं। अब मैंने इस पर पानी डाल दिया, जब ये पानी इसमें से निकल जाएगा तो फिर उसके बाद मैं इसको उठा लूँगी। हसन और ज़ैनब अपनी सी कोशिश कर रहे हैं कि वो आग बुझाना चाहते हैं। क्यों हसन, क्या कर रहे हो? तो ये हो गया हमारा काम, ये हमने कर लिया। आप चलते हैं नीचे और जाके तो रात के खाने की करते हैं तैयारी। तो व्यूअर्स पहले कर लेते हैं दाल की तैयारी। तो दाल की तैयारी के लिए ये है हलीम। हलीम न्याज दिलाई थी तो उसमें से ये बची हुई पड़ी हुई थी हलीम, तो इसको हम रीयूज़ करेंगे। इसको मैं बनाऊंगी सफ़ेद चावलों के साथ। आप देखेंगे इतनी मज़े की बनती है, इसमें कुछ भी नहीं डालना। हमने क्या करना है, एक टमाटर कट कर लिए, तीन हरी मिर्च कट कर लिए, दो लहसुन के जवे हैं और एक अदरक है। टमाटर और हरी मिर्चों को मैं अलग से एक ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लूँगी और ये लहसुन और अदरक को अलग से कर लूँगी। इसमें स्पाइसी थोड़े से डालेंगे क्योंकि दाल में थोड़ा सा पानी शोरबा करना है, चावलों के ऊपर डालनी है, तो इसलिए इसमें मैं नमक डालूँगी हसबे जायका। आप जितनी दाल है उसके हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्चें डालूँगी, दूसरी मिर्च नहीं डालूँगी क्योंकि इसमें मिर्चें मज़े की हैं। और हल्दी थोड़ी सी डालूँगी। घी डालेंगे हम पतीली में और शुरू करते हैं। सबसे पहले यही बना लेते हैं, टमाटर हरी मिर्चों का और लहसुन और इसका अदरक का पेस्ट बना लेते हैं। व्यूअर्स ये मैंने लहसुन और अदरक को बारीक बारीक कट करके डाल दिया है। इसमें हम तकरीब थोड़ा सा पानी डालेंगे, बस इतना सा पानी डालेंगे। इसको अलहदा से ग्राइंड करेंगे। हरी मिर्चों और टमाटर को मैं डाल लेती हूँ जग में और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है, जिससे ना ये बस इतना सा पानी डालेंगे और इसको करते हैं ग्राइंड। ये बिल्कुल इसका प्लेन सी हमारी प्यूरी सी बन जाएगी। अब ये लहसुन अदरक कर लेते हैं, लहसुन अदरक ज़रा सख्त होते हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं। ज़रा घुमा घुमा के इसको करना पड़ता है। तो व्यूअर्स ऑयल मैंने डाल लिया है, अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, ये बिल्कुल फाइन सा पेस्ट है। इसको हम लहसुन और अदरक के पेस्ट को डाल के इसमें इसको हम भून लेंगे अच्छे से। जब लहसुन की स्मेल निकल जाएगी फिर इसमें हम टमाटर और हरी मिर्ची शामिल करेंगे। तो व्यूअर्स लहसुन हमारा भून चुका है, अब हम इसमें डालते हैं ये टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट। मेरा हाथ एक है ये मैंने डाल दिया, बाकी को भी जग साफ करके डालते हैं क्योंकि एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा होता है, दूसरे हाथ से मैं डालती हूँ। अब दूसरे जग साफ करके डालते हैं। तो ये हमने टमाटर और हरी मिर्चों का जो पेस्ट बनाया था वो डाल दिया है। अब हमने इसको इतना पकाना है कि जो ये टमाटर हरी मिर्चों में मैंने पानी डाला था ना वो पानी इसका सूख जाए। पानी सूखने के बाद फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो वीडियो को लाजमी पूरा देखिएगा व्यूअर्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बाद में अनसब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और व्यूअर्स कमेंट्स में बताया करें कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। अगर कोई मैं फिर से कहूँगी, अगर मैं अपनी हर वीडियो में ये बोलती हूँ कि अगर मेरी कोई वीडियो में आपको कमी नज़र आए तो आप प्लीज़ मुझे बताया कीजिए, मैं उस वीडियो उस कमी को दूर करने की कोशिश करूँगी। अब हम क्या करते हैं, इसका जो सारा पानी है वो सुखा के इसको भून लेंगे अच्छे तरीके और फिर इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि जो पानी था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है दाल में से और इसमें से लहसुन में से, और इसने अपना जो हमारा मिक्सचर है टमाटर हरी मिर्चों का और लहसुन का इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम क्योंकि ये भून चुका है, जब घी छोड़ती है, जब आपको मसाला घी छोड़ दे तो समझे वो भून चुका है। फिर हम उसमें हम स्पाइसेस ऐड करते हैं। स्पाइसेस ऐड करके इसको अच्छे तरीके से भूनना है।
व्यूअर्स, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ पे खाने के कलर देखे जाते हैं, जहाँ पे कोई खाना चेक नहीं करता, हम चम्मच भर के मुंह में नहीं डाल सकते, वहाँ पे खाने के सिर्फ कलर चेक होते हैं। अगर कलर अच्छे होंगे तो आप खाने को, मतलब आपको खाना अच्छा लगेगा। अगर हमारे कलर नहीं खाने के अच्छे होंगे तो हमारा जो हमारा रीजन है, जो हम क्लियर करना चाहते हैं, वो वहीं का वहीं पर आ जाएगा। अब देखिए कि कलर कितना अच्छा है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं, हल्का सा। बस अब इसको हम कुक करेंगे, इसको भून लेंगे अच्छे तरीके से। इसका कलर ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि हलीम का कलर ऐसा है, इसीलिए मैंने इसमें लाल मिर्च, जो पिसी हुई लाल मिर्च है वो नहीं डाली, क्योंकि अगर हम वो डालते तो इसका कलर जो है वो रेड रेड हो जाता, ख़राब हो जाता, हलीम का जो अपना कलर है वो भी चला जाता, इसलिए मैंने वो नहीं डाली। आप मत डालिएगा, आप इसको रीकुक करके देखिएगा, बहुत मज़े के ये चावलों के साथ लगता है। मेरी कोशिश होती है कि अपनी जो सिंपल सी वीडियो है उसमें कम मसाले इस्तेमाल करूँ, जो कि आपको अपने ही किचन से मिल जाए। इसके बाद हम साथ में चावल बनाएंगे सफ़ेद। अब इसको भूनने के बाद इसमें दाल ऐड करते हैं। घी छोड़ दिया है मसाले ने। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारी जो दाल है वो मिक्स में हो गई है मसाले में। अब थोड़ा सा इसे ना नीचे से ये गर्म होती है, मतलब थोड़ी सी भी पकती है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको चावलों के लिए बना लेंगे। तो ये हमारी तैयार हो जाएगी। अब हमने इसमें कोई और मसाला नहीं डालना, क्योंकि जब हलीम बनी थी इसमें बहुत सारे मसाले ऐड किए थे। अब बस ये थोड़ा सा पकना शुरू होती है तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के ऊपर से ढक दूँगी और बनाते हैं अपने वाइट चावल। तो व्यूअर्स, चावल चुन के पानी मैंने भिगो दिया है और चावल भी ऊपर रख दिए हैं। बॉयल चावलों की आपको मैं एक टिप बताती हूँ कि जब भी हम पतीली में या इस सिल्वर स्टील के पतीले में या देचके में चावल बॉयल करते हैं तो क्या होता है कि पतीला अंदर से काला बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो बाद में उसको मांजना या उसको वैसे ही सफ़ेद करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसा करें कि जब आप इसमें पानी रखें तो इसमें उसी टाइम नमक ना डाला करें। जैसे ही पानी को एक बॉयल आए, नमक डाला और साथ में चावल डाल दिए, उससे क्या होगा कि आपका पतीला जो है वो बिल्कुल काला नहीं होगा। ट्राई कीजिएगा इसको। यूज़ चावल हमारे बन गए हैं। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि हम सोते कहाँ पे हैं। ये हमारा ड्राइंग रूम है, तो यहाँ पे बिस्तर लगाते हैं हम, क्योंकि ड्राइंग रूम जो बाकी कमरों से, बेडरूम से ठंडा है। इसकी ये विंडो है ना, विंडो की वजह से ये ठंडा हो जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे सोते हैं। तो अब खाना खाते हैं, लगाते हैं चावल उस पर, दस्तरखान पे लगाते हैं, सब भूख भूख कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं दाल और चावल हमारे आ गए हैं। ये देखें, ये मेरी प्लेट है। मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि दाल अब तड़के के बाद रीन्यू जो हमने दाल की है आज, वो कैसी बनी है। बहुत मज़े की जैनब बच्चों बनी है, और आप भी खाओ। जैनब आप भी खाओ, आप क्यों ऐसे बैठी हुई हो। जैनब और हसन बैठे हुए हैं। जैनब के बाबा को मैं कहती हूँ कि आप भी हमारी वीडियो में आया करें। अभी वो कहते हैं कि मैं आपकी वीडियो में नहीं आऊँगा। अभी वो मुझे देते हैं जवाब। तो व्यूअर्स, उन्होंने भी खाना शुरू कर दिया है, तो आप हमें ये तो बता सकते हैं ना कि दाल कैसी बनी है। बहुत मज़े की है। तो व्यूअर्स, दो वोट हो गए हैं दाल के, बहुत मज़े की बनी है। तो इसी के साथ आज का व्लॉग जो है वो करते हैं ख़त्म। आपको आज की मैंने अपनी शाम की रूटीन बताई है। तो व्यूअर्स, अगर आपको अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इसी के साथ चाहती हूँ इजाज़त। अपने अगले व्लॉग या अगली रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।